अंग्रेजी शासन के शोषण और अत्याचार से परेशान होकर कई भारतीय विदेशों में जाकर बसने लगे थे। कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने यूनाइटेड इंडिया लीग बनाई। सोहन सिंह भाकना की अध्यक्षता में यही संगठन 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना गया। इस संगठन द्वारा नवंबर 1913 में उर्दू, गुरुमुखी और फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश आदि भाषा में हिंदुस्तान गदर नाम से अखबार निकाला जाने लगा। गदर अखबार ने विदेशों में बसने वाले भारतीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। थोड़े ही दिनों में यह अखबार इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि प्रत्येक की जुबान पर शब्द गदर चढ़ गया। लोग हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भूल गए तथा उन्होंने स्वयं ही संगठन का नाम गदर पार्टी मशहूर कर दिया। गदरी नेताओं ने गदर अखबार के माध्यम से पार्टी की विचारधारा का विस्तार बड़े सरल ढंग से पेश किया। करतार सिंह सराभा ने पहले अंक में लिखा कि आज कलम की ताकत से अंग्रेजी साम्राज्य पर तोप दाग दी गई है। इसी बीच 1914 में कोमागाटा मारू नामक एक जहाज में सवार होकर 300 से अधिक भारतीय 23 मई को कनाडा से वैंकूवर पहुंचे। इस जहाज को वहां समुद्र तट पर ही 2 महीने तक रोके रखा गया और कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट कनाडा की सरकार पर यात्रियों को वहां उतारने का दबाव डाला। इसके बावजूद तट पर 2 महीने तक रखने के बाद उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। लगभग 6 महीने समुद्र में घूमने के बाद ये जहाज सितंबर 1914 में कोलकाता के पास बज बंदरगाह पहुंचा। पुलिस ने जहाज पर मौजूद कुछ यात्रियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसका विरोध हुआ और इसके बाद पुलिस द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें 20 से अधिक यात्री शहीद हो गए। ये क्रांति की शुरुआत थी। भारतीय गोल बंद होने लगे। दुनिया भर में रह रहे भारतीयों में रोष था। इसके बाद हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ने जंग का ऐलान कर दिया। इधर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसे क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने का सुनहरा मौका माना। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में ज्यूरिख में बर्लिन कमेटी बनाई गई तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा ने अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी के बैनर तले क्रांतिकारियों को लाम बंद करना शुरू किया। आए मर्दानों, हिंदी जवानों, जल्दी लाओ हथियार। और अखबार ने इश्तेहार दिया, जरूरत है जोशीले बहादुर सैनिकों की। तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आजादी, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान। हजारों की संख्या में क्रांतिकारी विदेश से भारत पहुंचने लगे, जिनका मुख्य कार्य बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब के सैनिक ठिकानों में 1857 जैसी फौजी बगावत करवाकर भारत को आजाद कराना था। फरवरी 1915 की अलग अलग तारीखें तय कर दी गई, जहां सिंगापुर में 15 फरवरी को भारतीय सिपाहियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, वहीं पंजाब में 21 फरवरी को 23वीं कैवलरी के सैनिकों ने अपने ऑफिसर्स को मार डाला। लेकिन उसी रेजिमेंट में एक सैनिक ने गद्दारी कर दी और विद्रोह की सारी योजना सरकार तक पहुंचा दी और इस तरह सारी मेहनत एक गद्दार के चलते मिट्टी में मिल गई। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। दर्जनों लोगों पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी पर लटका दिया गया। ये ट्रायल भारतीय इतिहास में पहली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से मशहूर हुआ।